हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा किस प्रकार से तीनों चारों भाई ये बहुत ही तीव्र तपस्या के लिए चले गए। अल्टीमेटली तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया और फिर भी उनके इष्ट देव ब्रह्मा जी उनके सामने नहीं आ रहे थे, तब दशानन ने, रावण ने अपने एक एक सर काट करके यज्ञ की आहुति में अर्पण करना शुरू किया। उनके 9 सर आहुतियों में चले गए, 10वां सर वह आहुति में देने ही वाले थे तब ब्रह्मा जी आ गए। हम देखते हैं कि तपस्या ये अच्छाई के लिए होती है। ऐसी तपस्या का लाभ ही क्या जहां पे अपने लिए व्यक्ति इतनी ज्यादा दर्दनाक परिस्थिति तैयार कर रहा हो। सोचिए, सर काटने में हमको छोटा सा यहां पे खर्च आ गया तो कितना लगता है। और यहां पे रावण ऐसे थे कि वो अपने एक एक सर काट रहे थे। इमेजिन द एग्नी, इमेजिन द पेन दैट ही मस्ट हैव फेल्ट। और ये हमें रावण के स्वभाव का एक और पहलू बताता है कि ही इज रेडी टू एक्सेप्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड ही इज रेडी टू गिव ऑल्सो एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इसीलिए उनका नाम रावण भी है, जो स्वयं रोने से नहीं डरता और दूसरों को बहुत रुलाता है, वो रावण है। तो जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को देख करके तुरंत जिस काम के लिए चाहिए था, इट्स ऑल अबाउट समहाउ कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज एंड गेटिंग बेनेडिक्शन। तो रावण ने मांगा कि मैं चाहिए था तो उनको अमरत्व का वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं खुद ही अमर नहीं हूं, आपको क्या अमर बनाऊं। तो मैं अगर आपको 2000 रुपए उधार देना है तो मेरे पास 2000 होने तो चाहिए, तभी तो मैं दूंगा। मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो मैं आपको क्या अमर बनाऊंगा। तब रावण ने सोचा ठीक है, युक्ति निकालते हैं। उन्होंने कहा, ओ मेरी मृत्यु यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, राक्षसों, देवताओं से, किसी पशु पक्षियों से, किसी से नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने हां कह दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने हां कहा, सारे देवतागण चकित हो गए, बोले अरे आपने ये कैसा वरदान दे दिया, अब आगे हमारा क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए उसने मनुष्यों से और खास करके वानरों से अपने आप को अमरत्व नहीं मांगा है, मनुष्यों से तो बिल्कुल भी नहीं मांगा है, यही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। हम देखते हैं कि सही में वरदान क्या है। वरदान यानी जब देने वाला अपने हृदय से, इट इज एन आउटपोरिंग ऑफ अ स्वीट इमोशन, दैट इज व्हाट इज अ बून। जब हम उसे ऑफिशियली लेना चाहते हैं और एक दायरे में रह लेना चाहते हैं, तब वो मियर फॉर्मेलिटी हो जाता है। वरदान ये हृदय की बात है और हृदय के ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तो जब जोर जबरदस्ती से कुछ लेना होता है तो उसे एक्चुअली वरदान नहीं कहते, उसे व्यापार कहते हैं। रावण तपस्या अर्पण कर रहे हैं, उसके बदले में वरदान ले रहे हैं। सो जब रावण ने यह गलती की, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये गलती है और इस गलती के कारण आगे जाकर के वो प्रॉब्लम में फंसेगा। अनदर थिंग दैट वी लर्न इज दैट व्हेन वी वांट टू चीट समवन, हम कहीं से तो इधर उधर करके अपने इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, हमको वैसे ही ठगा जाता है प्रकृति के द्वारा जैसे हम दूसरों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। रावण ब्रह्मा जी को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने रावण को अच्छे से ठग दिया, मनुष्यों से अमरत्व नहीं दिया, मनुष्यों से मृत्यु हो सकती है। रावण ने क्यों नहीं मांगा, रावण के पास इतनी शक्ति थी कि रावण ने सोचा अरे ये मनुष्य से भी कोई मनुष्य को ही मारेगा, उनकी औकात है मारने की, ये हुआ था। सो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब रावण के वरदान सुने
ब्रह्मा जी भी हिल गए, मतलब इनकी बाबा इच्छाएं ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा सरस्वती से, अपनी पत्नी से, कि आप जाकर के कुंभकर्ण के जिह्वा पर वास कीजिए। तो कुंभकर्ण चाहते थे नित्यत्वम। सरस्वती जी बैठ गई और उन्होंने कहलवाया निद्रत्वम। सो कुंभकर्ण वांटेड नित्यत्वम, ही सेड निद्रत्वम। कुंभकर्ण वांटेड इंद्रासन, सरस्वती मेड हिम से निद्रासन। सो नित्यत्वम और इंद्रासन से लेकर के निद्रत्वम और निद्रासन पे लाके रख दिया गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत हाँ बोल दिया। अब कुंभकर्ण को समझ में आया कि उसने क्या गलती की, और उन्हें समझ में नहीं आया उन्होंने ये क्यों किया। हम देखते हैं कितनी सारी शरीर की क्रियाएं जो हमको पता ही नहीं चलता हो रही है। हम केवल अन्न ग्रहण कर रहे हैं, उसका मांस में, रक्त में, खून रक्त में या हड्डियों में, मज्जा तंतुओं में, ब्रेन सेल्स में कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो अन्न के कारण ही हो रहा है, बाकी तो कोई और आउटपुट ही नहीं है, इनपुट ही नहीं है, केवल अन्न ही इनपुट है। अन्न से ये सब कुछ कैसे चलता है हमें पता ही नहीं है, आंतरिक रूप से सब कुछ होता रहता है। खाने के बाद दूसरे दिन सुबह सब कुछ बाहर कैसे निकलता है, उसके बीच में क्या क्या होता है, हमको कुछ पता ही नहीं है। मेजॉरिटी चीजें हमारे शरीर में ऐसे ही होती रहती है जस्ट। तो ऐसे में सही में समझना कि आई एम इन फुल कंट्रोल, इज दिस नॉट फूलिशनेस। तो कुंभकर्ण को पता चला कि ही हैज डन फूलिशनेस। वो गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, भीख मांगने लगे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मुझे ये रीवरदान चाहिए, ये थोड़ा सा क्रॉस करके इस कंडीशंस को रीफ्रेस करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अब तो वरदान दे दिया। बहुत विनती करने के बाद ब्रह्मा जी बोले ठीक है, जो आपने मांगा है वो साल के 6 महीने आपको मिलेगा। क्या है वो? निद्रासन और निद्रत्व, और बाकी के 6 महीने आप यू विल बी अवेक, आप जागृत अवस्था में रहोगे। तो साल के 6 महीने सोना, साल के 6 महीने जागृत अवस्था, ऐसी हो गई कुंभकर्ण की दशा। कुंभकर्ण को नींद से उठाना ये भी बहुत महान काम था। 6 महीने की नींद के बाद इतना महाबलशाली शरीर, उनके सामने घोड़े, हाथी, नगाड़े चलाए जाते, उनके शरीर पर हाथी चलाए जाते तब भी वो टस्से मस्से नहीं होते। हाथियों को गर्जना करने कहते, हाथियों की गर्जनाएं करवाई जाती, बड़ी बड़ी घंटाएं बजाई जाती, तब कैसे तो कुंभकर्ण टस्से मस्से होते, थोड़ा ऐसी अपनी करवट बदलते। जब करवट बदलते तब भी जो उनके शरीर के नीचे आ गया वो हरि बोल। जैसे तैसे कुंभकर्ण को बाण मार के, तोप मार करके उनके शरीर पर उनको उठाया जाता, और वो उठने के बाद में सोचिए 6 महीने तक न खाया हुआ उनका विशाल शरीर, हर 6 महीने में रावण की सेना आधी हो जाती। क्यों? आधी सेना को कुंभकर्ण उठते उठते ही खा लेते, क्योंकि इतनी भूख लगी होती। सो एवरी 6 मंथ्स रावणा सेना वुड बी रिड्यूस्ड टू, और एवरी 1 ईयर 6 महीने वो जागते, 6 महीने वो सोए रहते। तो जब भी सोने के बाद जो उठने का समय है वहां पे रावण की सेना को वो आधा कर देते। सो वी सी दिस वाज आल्सो वन वे दैट डेस्टिनी ट्रिक्ड रावण, और दिस वाज व्हाट वाज डिजर्व्ड बाय रावण। इसके बीच में भी अब कुंभकर्ण खाने के प्रति इतने आसक्त कि उन्हें उनके जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल के, टीचर्स पढ़ाते रहते, उसके बीच में भी वो खाते रहते। लेकिन इसके बीच में एक कला उन्होंने सीख ली, और वो था बाण मारना, आर्चरी, धनुष बाण की कला में कुंभकर्ण बहुत ही पारंगत हो गए। और शूर्पणखा, उनके बारे में और विभीषण जी के बारे में सुनेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।